बिहारी जी की कृपा पर कौन कौन विश्वास करता है जरा बताओ, क्योंकि विश्वास करने योग्य ही केवल बांके बिहारी है और कोई है ही नहीं। बिहारी जी केवल कृपा लुटाना जानते हैं। जिस प्रकार वृक्ष ये नहीं देखता कि ये पापी है या भक्त है, सबको छाया देते हैं। नदी सबकी प्यास बुझाती है, उसी प्रकार हमारे बिहारी जी भी सबका उद्धार ही करते हैं, सब पे कृपा ही करते हैं। जय। उनका स्वभाव कुछ ऐसा है। आओ उन्हीं की इस कृपा के स्वभाव का एक पद हम सब श्रवण कर लें बड़े भाव से, प्रेम से। ये दिल तो हुआ तेरा दीवाना, ठोकर खाई दुनिया में बहुत, मुझे द्वार से अपना ठुकराना। हर तरह से तुम्हारा हुआ मैं तो, फिर क्यों तुमको मैं बेगाना। मुझे दर्श दिखा दे दे नंद लाला, मुझे दर्श दिखा दे नंद लाला, नहीं दर तेरे पे मर जाना। हो कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी। ओ कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, 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 तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। आइए दोनों हाथ उठा के सभी पुकारे, हे नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान। न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी,
बाकी न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, ओ कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, ओ कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न हो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की न होती तो हाथ उठा के तुम्हारी, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, सहारा कोई नहीं मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, मेरा और सहारा कोई नहीं, नंदलाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, बाकी बिहारी जी के चरणों का आश्रय लेते हुए जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में। कितना सुंदर नाम है ठाकुर का, दीनानाथ जो दीनों के नाथ है, विश्वनाथ जो विश्व के नाथ है, जगन्नाथ जो जगत के नाथ है। जब इतने सारे नाथ हमारे हैं तो फिर हम अनाथ कैसे हो सकते हैं, इसलिए कभी भी कैसी भी स्थिति आ जाए प्यारे डगमगाना मत, क्योंकि हम हैं श्री जगन्नाथ के और जगन्नाथ हमारे। हमेशा एक बात याद रखना, टेंशन में वो ही रहता है जिनका विश्वास इनके चरणों में अधूरा हो, वरना तो वृंदावन में जाकर देखो जिन पे रहने की छत तक नहीं है वो भी आनंद में जी रहे हैं, बिना टेंशन के जी रहे हैं। क्यों? क्योंकि मतलब की दुनिया से जो दूर रहते हैं, मतलब की दुनिया से जो दूर रहते हैं वही बांके बिहारी की मस्ती में चूर रहते हैं। प्यार जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम न पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, जो दीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, ना 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 ना। तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी।
हाकिम। ना मुलजिम ही होते ना तुम होते हाकिम, ना मुलजिम ही होते ना तुम होते हाकिम, ना मुलजिम ही होते ना तुम होते हाकिम, ना मुलजिम ही होते ना तुम होते हाकिम। और ना मुलजिम ही होते ना तुम होते हाकिम, ना मुलजिम ही होते ना तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती हिफाजत तुम्हारी, ना घर घर में होती हिफाजत तुम्हारी, ना घर घर में होती हिफाजत तुम्हारी, ना मुलजिम ही होते ना तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती हिफाजत तुम्हारी। जय। अभी हम गुजरात में द्वारका में कीर्तन कर रहे थे तो वहाँ द्वारकापुरी के पुजारी जब हमसे मिलने आए तो उन्होंने एक बहुत अच्छी बात, आप भी याद रखना, अगर कोई अपराध कर ले तो न्यायाधीश जो है उस अपराधी को दंड देता है। हाँ, दंड देता है, कोई भी दंड दे दे। जो एक अपराध की सजा दे, जो अपराधों की सजा दे उसको न्यायाधीश कहते हैं, जो अपराधों की सजा दे उसे न्यायाधीश कहते हैं, जो अपराध करने के बाद जीवन संवार दे उसे द्वारकाधीश कहते हैं। yeah! उदाहरण, अपराध के बाद दंड मिलता है, फिर जो उस अपराधी की दुर्गति होती है वो जानते हैं। लेकिन हमारे बिहारी जी, हमारे कृष्ण, हमारे कन्हैया लोग कहते हैं कि उन्होंने दुष्टों का संहार किया, लेकिन हम कहते हैं सरकार ने आज तक किसी का संहार नहीं किया, कन्हैया ने किसी का संहार नहीं किया, कन्हैया ने जब किया है जीव का उद्धार ही किया है। अगर संहार किया होता तो अजामिल जैसे भक्त को गोलोक धाम की प्राप्ति नहीं होती, उसको दंड देने के बाद भी उसका उद्धार किया तभी तो अपने निज धाम को प्राप्त करा दिया। अजामिल जैसे पापी को भी बैकुंठ की प्राप्ति करा दी, बताओ ये संहार है कि उद्धार है? क्या है? उद्धार है, क्योंकि वो करुणा वर्णाले हैं, वो केवल कृपा लुटाने के लिए बैठे हैं, देरी हमारी तरफ से है उनकी तरफ से नहीं है। इसलिए आज समर्पण भाव से दोनों भुजा उठाओ एक बार और कहो सरकार से, हे गोपाल सहारा तेरा है, हे गोपाल सहारा तेरा है, हरिलाल सहारा तेरा है, हरिलाल सहारा तेरा है, मेरा और सहारा कोई नहीं, 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 गोपाल सहारा पाते, जो तीनों के दिल में जगह तुम ना पाते, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी, तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। ना मुलजिम ही होते ना तुम होते हाकिम, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी, ना घर घर में होती इबादत तुम्हारी, ओ कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी।
प्रेम से बोलो ना श्री राधे। सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। ओ कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, पुकारो तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी, कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी, हाँ कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी। अच्छे हे गोपाल सहारा तेरा है, गोपाल सहारा तेरा है, नंदलाल सहारा तेरा है, प्रेम से बोले, बोलिए श्री हरिदास, श्री हरिदास। एक बार आप मत बोलना, आप सभी बोले, बोलिए श्री हरिदास। थोड़ा और जोर से बोले, थोड़ा और प्रेम से बोले,